आप एक बार हॉल को देख लो, कितना बड़ा और कितना स्पेसियस लग रहा है। आप अपने हिसाब हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजे होम्स में। मैं हूं आपका होस्ट जावेद सिद्दीकी। आज हम जो प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं उसका नाम है ऑक्सी फ्रेश होम्स, विच इज़ लोकेटेड इन खारगर सेक्टर 36, क्लोज टू द मेट्रो स्टेशन। गाइस, ये जो प्रोजेक्ट है मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर है। गाइस, ये जो प्रोजेक्ट का टोटल लैंड है वो है 5 एकर्स में, जिसमें 3 एकर्स कंस्ट्रक्शन के लिए है, 2 एकर्स ओपन स्पेस एंड अमेनिटीज के लिए है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 7 टावर्स है। अगर बात करें फ्लैट्स की तो इसमें 1, 2, 3, 4 BHK अवेलेबल है। तो चलो गाइस, हम आपको प्रोजेक्ट में लेके चलते हैं। गाइस, ये है हमारा एंट्रेंस। तो देखो गाइस, ये है हमारा एंट्रेंस लॉबी, कितना खूबसूरत एंड अट्रैक्टिव लॉबी है। ये डिजाइनर लॉबी है गाइस, देखो दिखने में कितना प्यारा लग रहा है, एक बार आप देख लो इसको अच्छे से। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा डिजाइनर लॉबी आपको हर एक टावर्स में प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके साथ आपको 2 लिफ्ट और बैक साइड फ्रंट साइड एंट्रेंस मिलेगा, एंड आपको 2 स्टेयरकेस भी साथ में मिलेगा। टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको यहाँ बहुत सारी एमिनिटीज मिलती है, जैसे कि स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, पार्टी लॉन, चिल्ड्रेन प्लेइंग एरिया, मिनी थिएटर, हॉल, एंड इसके अलावा आपको बहुत सारी यहाँ पे एमिनिटीज मिलेगी। एंड जिसके पास इलेक्ट्रिक कार्स है गाइस, उसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलो गाइस, आपको लेके चलते हैं स्टेयरकेस के थ्रू एंड सैंपल फ्लैट दिखाते हैं। सैंपल फ्लैट में चलने के पहले गाइस, एक बार पैसेज एरिया देख लो, कितना बड़ा और कितना अच्छा लग रहा है ये। तो फाइनली गाइस, हम आ गए अपने फ्लैट में। गाइस, फ्लैट में देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक दिया गया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग दिखने में लग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2 BHK फ्लैट्स में आपको 675 कारपेट एरिया मिल रहा है। आप एक बार हॉल को देख लो, कितना बड़ा और कितना स्पेसियस लग रहा है। आप अपने हिसाब से सोफा एंड डाइनिंग टेबल अरेंज कर सकते हो, या आप अपने हिसाब से इंटीरियर करवा सकते हो। टीवी के लिए आप यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट भी मिलता है, जिससे आप टीवी अरेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, या आप एक बार देख लो सैंपल फ्लैट में, मैं दिखा रहा हूँ, आप इस हिसाब से भी टीवी अरेंज कर सकते हो। इसके आगे आपको बताना चाहता हूँ गाइस, आपको यहाँ पे एलेक्सा कंट्रोल होम ऑटोमेटिक सिस्टम भी मिलेगा, एंड कार स्कैनिंग सिस्टम मिलेगा, एंड डोर फोन हर अपार्टमेंट में आपको मिलेगा, जिससे इस प्रोजेक्ट में आपको हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलती है, जिससे आपको सेफ महसूस करेंगे हर वक्त। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ गाइस, मैं जो इस प्रोजेक्ट में मेरे को जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा है, और इस फ्लैट में जो बेस्ट पार्ट लगा है मुझे, वो है बालकनी। एक बार आप बालकनी को देख लो, कितना बड़ा और कितना बेहतरीन लग रहा है, आप एक बार देख लो गाइस। ये बालकनी आपको वेंटिलेशन पर्पस के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा होगा, आपको हर वक्त फ्रेश हवा मिलेगा। यहाँ पे आप चेयर अरेंज करके सनलाइट ले सकते हो सुबह में, या शाम में चाय के मजे ले सकते हो। आप एक बार यहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हो, जिससे बालकनी आपकी और खूबसूरत दिखेगी, और भी बहुत कुछ कर सकते हो आप गाइस अपने हिसाब से इस बालकनी में। चलो गाइस, अब हम आपको किचन दिखाते हैं। किचन में आपको हर एक जरूरत के सामान के लिए आपको स्पेस मिलेगा। स्पेस की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ा किचन है, एंड आप देख सकते हो, आप अगर आप चाहें तो सैंपल फ्लैट के जैसा ही आप कैबिनेट इंटीरियर करा सकते हो, जिससे आपको और आसानी मिलेगी यहाँ पे। एंड आप इस तरह से आप फ्रिज अरेंज कर सकते हो, और वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिलेगा, एंड डिशवाशर हर एक किचन में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा किचन यूजली बहुत हॉट होता है, तो आप चाहें तो यहाँ पे सीलिंग फैन भी
प्रोवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। आप देख सकते हो किचन कितना अच्छा एंड ब्यूटीफुल है, आप देख लो एक बार। तो गाइस अब हम चल रहे हैं किड्स बेडरूम की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ पे कितने अच्छे से इंटीरियर किया गया है सैंपल फ्लैट में। आप इस हिसाब से भी आप अरेंज कर सकते हो, इंटीरियर करा सकते हो, या फिर अपने हिसाब से आप अरेंज करा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने अच्छे से बंक बेड यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, उसके साइड में ही आप कबर्ड प्रोवाइड किया गया है, और उसके अलावा ही आपको बहुत सारी स्पेस बच जाती है जिसमें आप किड्स के लिए स्टडी टेबल भी यहाँ पे रख सकते हो, और वेंटिलेशन पर्पस के लिए भी बहुत बड़ा विंडो यहाँ पे दिया गया है। चल रहे गाइस कॉमन टॉयलेट की तरफ। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कितना अच्छा और अच्छा स्पेस दिया गया है इसमें भी, एंड अच्छी टाइल्स लगी हुई है, बहुत मुझे देखने में बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव दिख रहा है टाइल्स भी। इसमें आपको वेस्टर्न टॉयलेट दिया गया है, उसके साथ आपको हैंड वॉश के लिए आपको वॉश बेसिन दिया गया है, एंड शावर दिया गया है, वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो भी मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ये टॉयलेट रूम भी है। अब हम आपको मास्टर बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप इसमें आपको वेंटिलेशन के लिए और वेंटिलेशन के लिए कितना अच्छा बालकनी मिल रहा है। यहाँ पे स्पेस देखिए, इस बालकनी का भी काफी अच्छा है, आप यहाँ पे खड़े होके हवा ले सकते हो अच्छे से। आप यहाँ पे भी आप टेबल या चेयर अरेंज कर सकते हो, या कुछ भी यहाँ पे जैसे डेकोरेट भी कर सकते हो, लाइक सीलिंग में आप कुछ अपने हिसाब से कुछ डेकोरेट कर सकते हो। और आप लेके चलते हैं आपको बेडरूम में, देखिए गाइस कितना अच्छा और कितने अच्छे से अरेंज किया हुआ है। इस हिसाब से आप कर सकते हो या अपने हिसाब से आप इंटीरियर करा सकते हो। और इसमें आपको गाइस इसमें आपको टॉयलेट दिया गया है, वो है वेस्टर्न, एंड साथ में आपको शावर भी मिलेगा, बहुत अच्छा बेडरूम है। तो चलो एंड करते हैं वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। गाइस आप सब्सक्राइब करो ताकि हम फ्यूचर में आपको अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट और दिखा सकें। थैंक यू।